सम्मानित अपने गांव के बुजुर्गों को सादर प्रणाम नमस्कार करता हूं, और साथ ही साथ जो हमारे अग्रज भाई हैं, जो हमसे बड़े हैं, उनके चरणों में भी सादर प्रणाम करता हूं, शुभ आशीर्वाद की कामना करता हूं। यहां पर उपस्थित हमारे आदरणीय बड़े भाई भूतपूर्व ग्राम प्रधान दयाराम यादव जी और उपस्थित दूर दराज से उत्तराव थाना के अंतर्गत जिनसे हमारा तकरीबन 2 महीने पहले से इंटरनेट के माध्यम से आपस में मेल मिलाप हुआ है, आप सादर आदरणीय चाचा जी, आप एक राइटर हैं, लेखक हैं, परम आदरणीय चाचा जी दीपचंद यादव जी, जो विशेष एक राइटर हैं, लेखक हैं, इंटरनेट के माध्यम से हमारी उनसे पहचान हुई है, स्वागत करते हुए साथ ही साथ उनके बड़े भाई भी यहाँ उपस्थित हैं, उनका भी सम्मान करते हुए हमारे विजय भाई और हमारे परम आदरणीय चाचा श्री लाल बहादुर विश्वकर्मा जी और श्री राज बहादुर यादव जी, बड़े पिताजी राम सिंह चाचा जी, श्री फूलचंद चाचा जी और देवेंद्र बहादुर सिंह बड़े पिताजी और राहुल यादव जी मास्टर साहब जो अध्यापन का कार्य कराते हैं, और उनके बगल में हमारी ही कोचिंग संस्था आर्या कोचिंग सेंटर के माध्यम से मैथमेटिक्स की शिक्षा देते हैं हमारे बच्चों को, श्री मदन सिंह जी, छोटे भाई कृष्णमूर्ति, हरकेश सरोज जी, राय सिंह जी, और इसी सभा में उपस्थित हमारे परम आदरणीय बड़े पिताजी श्री झारीराम यादव जी, तमाम सभी यहां पर उपस्थित हमारे बड़े, अगर भूल से किसी का नाम स्मरण ना हुआ तो क्षमा प्रार्थी हूं, मैं सबके चरणों में सादर प्रणाम करता हूं, और जो हमसे छोटे होंगे उन्हें मैं शुभ आशीर्वाद देना चाहता हूं कि अपने कार्य में सदैव प्रगति करें, परिश्रमशील रहें, ताकि इस समाज में आप उठ सकें और अपने इस गांव की समृद्धि कर सकें, विकास करने में अपने गांव की आप एक एक लोग सहयोग करें, ताकि जो ये पिछड़ापन है, हमारा गांव जो पिछड़ेपन की श्रेणी में आता है कि बहुत पिछड़ा हुआ है और लोगों की अपेक्षाकृत, क्योंकि घूम के देखा समाज में, तो उसे आप उठाने का निरंतर प्रयास करें, शिक्षा को बढ़ाएं। आज आप सब जानते ही हैं, जो न जानते हो उनके लिए, और इंटरनेट के माध्यम से ये वीडियो जब जाएगा लोगों के पास, जो हमारे जुड़े हुए मेंबर हैं, सब्सक्राइबर हैं, उन लोगों के लिए बता देना चाहता हूं कि आज के दिन बहुत पहले से सपना सजाया मैंने, तकरीबन 10-12 साल की आयु की अवस्था में, तभी से निरंतर एक सपना बना हुआ था कि कभी हम इसमें अपना कैरियर बनाएंगे, मुंबई की सरजमी पर कितने हजारों नवयुवकों की चप्पलें घिस जाती हैं आने जाने में, फिर भी उन्हें वो काम नहीं मिल पाता है, और आज यहाँ पर जो स्टूडियो का निर्माण किया गया है, डिजिटल ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग सेंटर, ये आज के 10 साल पहले अगर देख लिया जाए तो मुश्किल से आपको बनारस में एकमात्र स्टूडियो थी, भरत शर्मा ब्यास की, जो बहुत बड़े सिंगर है, उन्हीं की एकमात्र स्टूडियो थी, अन्यथा यहाँ कोई स्टूडियो ही नहीं थी, नवयुवकों को सीधे मुंबई या दिल्ली या लखनऊ शहरों में जाना पड़ता था, फिल्म उद्योग मुख्य रूप से मुंबई का ही उद्योग है और मुंबई में ही इसे ज्यादातर चलाया जाता है, मुंबई में ही फलता फूलता है, तो वहां पर बहुत परिश्रम करने के बाद जब मुझे मार्ग नहीं मिला, हर जगह ठोकरें मिलती हैं, जैसे मुझे मिला है ऐसे नौजवानों को बहुत सारे लोगों को मिलता है, तो हमने अपने दिमाग में बनाया कि अगर परिश्रम करके मेहनत किया जाए तो स्वयं से भी किसी कार्य को किया जा सकता है, और लगातार परिश्रम करने के बाद आज आप लोगों के सामने ये दिख ही रहा है, आपके गांव में सरजूपट्टी चौराहे में डिजिटल ऑडियो वीडियो स्टूडियो चालू हो गई है, जहां पर केवल आपके गांव के ही नहीं, इस पूरे डिस्ट्रिक्ट लेवल के लोगों के लिए
यहाँ मौका होगा कि वो फिल्म उद्योग में, सिंगर गायकी क्षेत्र में अपने आप को जो है वो लोगों के बीच में दिखा सकेंगे, क्योंकि एक सपना जो बनाया हुआ था आज वह सपना साकार हुआ। मेरे जीवन का आज यह बहुत बड़ा दिन है मेरे लिए। मैं कह लूँगा कि मेरे जीवन के सारे परिश्रम की आज यह पूंजी है जब इतना संघर्ष करने के बाद मुझे मिला है। और यहाँ आज इतनी सुविधा उपलब्ध है इस मायने में कि यहाँ पर गीत भी लिखे जाते हैं, और अब वो व्यवस्था हो गई है कि यहाँ म्यूजिक पर बाधित ट्रैक भी बनाए जा सकते हैं। जो हमारे पुराने सीनियर लोग हैं उनके लिए बता दें, डीजे में जो गाना बजता है, म्यूजिक जो तैयार किया जाता है, वो यहाँ पर तैयार किया जाएगा, ऐसी भी सुविधा है। और किसी भी कलाकार को उठाने के लिए पूजा कैसेट YouTube.com के माध्यम से यहाँ वह भी सुविधा उपलब्ध है कि उसे कहीं भी मुंबई और लखनऊ जाने की आवश्यकता नहीं है, सारी की सारी व्यवस्था यहाँ है। अगर उसके अंदर टैलेंट है तो यहाँ पर काम करके अपने आप को वह बहुत बड़ा कलाकार इस समाज में दिखा सकता है। ये सब का श्रेय मैं आप सभी को देना चाहता हूँ, क्योंकि कदम दर कदम आप सबने मेरा बहुत उत्साहवर्धन किया है, इसके लिए मैं कोटि कोटि धन्यवाद देना चाहता हूँ। मैंने अगर किसी से एक थोड़ी भी सुर सीखी होगी तो मैं भी, अगर वो हो यहाँ पे या ना हो इस धरती पर, चला भी गया हो तो भी मैं सादर कोटि कोटि बार उसे प्रणाम करता हूँ कि उनके दिशा निर्देश के द्वारा आज मुझे यह कार्य करने का शुभ अवसर प्राप्त हुआ है। तो मैं अब चाहता हूं कि इस कार्यक्रम में जो भी यहां पर कार्यक्रम आयोजन किया गया है, उद्घाटन है, बुलाया गया है कुछ विशेष अतिथियों को, उनका समय जो है वो परिवर्तन हुआ है। हमारे गोकुल यादव जी ने बताया कि समय में परिवर्तन है, देर से आएंगे थोड़ा, कोई बात नहीं है, लेकिन हम चाहते हैं आए तो भी ना आए तो भी कोई बात नहीं है, हमारे अपने लोग यहाँ उपस्थित हैं, मैं इसमें खुशहाल हूँ और इसी में मैं अपने कार्य को पूर्ण करने में अपने आप को ज्यादा विश्वसनीय समझूंगा। तो मैं चाहूंगा कि यहाँ पर कोचिंग सेंटर चलती है, पहली से लेकर के दसवीं तक के बच्चों को कोचिंग पढ़ाया जाता है सुबह के टाइम में, और उसके बाद यहाँ पर कंप्यूटर सेंटर भी है, लेकिन केवल कंप्यूटर सेंटर लड़कियों के लिए है, केवल 20 सीटें हैं, क्योंकि हमारे पास बहुत सारे कंप्यूटर नहीं है, इसलिए हम 60-70-100 बच्चों को नहीं ले सकते हैं, इसलिए मुश्किल से 20 बच्चों को हमें यहाँ पे रखना है। कंप्यूटर सेंटर भी चलता है और स्टूडियो भी यहाँ पर आज उद्घाटन हो जाएगा, और आज के बाद से कल से जिसे आवश्यकता होगी उसके लिए भी किया जा सकेगा। तो मैं आमंत्रित करना चाहूँगा आप लोगों को बारी बारी से कि आप लोग अपना हिम्मत करिए, आप अपने इरादे को मजबूत बनाइए। माइक्रोफोन पर जो लगातार बोलते हैं उनकी तो कोई बात नहीं है, पर मैं आज चाहूंगा कि जिन्होंने कभी माइक्रोफोन पर नहीं बोला वो भी दो शब्द जरूर आकर के बोलिएगा यहाँ पर, क्योंकि आज मैं कम से कम यही समझ करके आप हर एक व्यक्ति का चित्र ले लेना चाहता हूँ कैमरे में कि खुदा न खास्ता जब आप इस दुनिया से चले जाएंगे तो अगर कभी याद आई तो मैं इस वीडियो को देखकर कम से कम आपको देख तो सकूंगा, आपके बच्चे देख भी सकेंगे। अगर बात अच्छी लगी हो तो ताली से एक बार सम्मान जरूर करिएगा। मैं प्रत्येक व्यक्ति को यहाँ उपस्थित, खास तौर से जो सीनियर हैं, उन्हें मैं निश्चित आमंत्रित करूंगा, क्योंकि आपकी एक तस्वीर हमारे पास रिजर्व बैंक के तौर पर हमेशा हमेशा के लिए स्थायी पड़ी रहेगी। आने वाले भविष्य में अगर बच्चे देखना चाहेंगे तो वो देख पाएंगे, क्योंकि अपनी भी आंखें तरसती हैं। हमारे जो पूर्वज हैं, हम जब इतिहास को पढ़ते हैं तो इतिहास में पता चलता है सम्राट अशोक, चंद्रगुप्त मौर्य, ना जाने कितने कितने शासक यहाँ पर आए हैं, और उन्हें देखने की एक जिज्ञासा बनती है, लेकिन ओरिजिनल तस्वीर तो संभवतः उनकी नहीं है, क्योंकि तब आविष्कार नहीं हुआ था कैमरे का कि फोटो खींची जाए, तो वो सब नहीं दिख पाते हैं। अब हम अपने पूर्वज की बात अगर करें जिन्हें हम देख पा रहे हैं इस समय, ठीक है उन्हें तो देख लिया है, पर कोई और तो होगा जिसने हमें इस संसार में लाने का काम किया है, आज उसकी मुश्किल से एक तस्वीर भी देखने को नहीं मिलती। कभी आपने शायद विचार किया हो इस बात पर, मैं अक्सर करके इस पर विचार करता हूँ कि हमारे जो पूर्वज थे उनकी तस्वीरें होनी चाहिए, कम से कम उनके विषय में बायोडाटा होना चाहिए कि वो क्या करते थे, कैसे रहते थे, उनका रहन सहन क्या था, उनका व्यक्तित्व कैसा था, उनके व्यक्तित्व के अंदर खास बात क्या थी, कम से कम उसकी जानकारी प्राप्त हो। लेकिन मुश्किल अब ये है
क्योंकि अब पूछने के बाद जो हमारे सीनियर जो हैं वो भी नहीं बता पाते हैं, बड़ी मुश्किल से नाम बता लेते हैं, वो भी कहीं सही बता रहे हैं कि अंदाजा लगा रहे हैं, ऐसी कहानी हो जाती है। इसलिए आप लोग आइएगा जरूर माइक्रोफोन पर। अब मैं आमंत्रित करना चाहूंगा, सबसे पहले चूंकि मैं जो बढ़िया बोल लेता हूं उसे पहले आमंत्रित करूंगा, क्योंकि जो हमारे बेचारे पुराने हैं उनको बोलने में दिक्कतें होंगी, तो जब अच्छा बोल पाएंगे तो उसके बाद से सबके सबके अंदर हिम्मत जुट जाएगी, और हिम्मत जुट जाएगी वो बोलने का प्रयास करेंगे। बच्चों आ जाओ ये साइड में, धरा जाओ, चलो चलो कोई बात नहीं, आ जाओ आ जाओ। तो निसंदेह मुझे बड़ा अच्छा लगता है और गर्व भी महसूस होता है कि आप सब इतना हौसला अफजाई करते हैं। ये जो बच्चे हमारे यहाँ आ रहे हैं सब यहाँ जुड़े हुए हैं, कोई कोचिंग पढ़ाता है बच्चों को, कोई यहाँ कोचिंग पढ़ता है, ये सब जुड़े हैं। मैं भी चाहता हूँ, लोग कहते हैं कि बेटा और बेटी को बराबर सम्मान देना चाहिए, लेकिन बेटा और बेटी को सम्मान बराबर कहाँ मिलता है? मुझे तो कहीं नहीं दिखाई पड़ता है। अब जिसे लगता हो तो लगता हो, मुझे तो नहीं लगता। आप कुर्सी पे बैठ सकते हैं, पर अगर आपकी बेटी या आपकी औरत भी बैठ सके तब तो बराबर हुआ। बात सही है गलत? सही है ना? पर हमारी माताएं बहनें क्या है, हम तो बैठ सकते हैं समाज में, हम सीना ठोक के बोल सकते हैं, लेकिन हमारी माताएं बहनों के लिए वो पता नहीं क्या हो जाता है उनके लिए, वो खड़े होकर दो शब्द बोल देती है तो लोगों को लगता है कि अरे बाप रे, अच्छा ही नहीं लगता। अरे जरा सोचिए, इंदिरा गांधी अगर उन्होंने माइक्रोफोन पे नहीं बोला होता तो प्रधानमंत्री बनती क्या? नहीं। और वो बोली क्यों? क्योंकि बड़े घर की लड़की थी, उनके घर वालों ने कहा नहीं बेटा अच्छा काम है, करना चाहिए, उन्होंने किया और खूब बढ़िया नाम कमाया, मरने के बाद भी इतिहास में लिखा हुआ है नाम, लोग याद करते हैं। पर हमारे यहाँ के लोग, हमारे यहाँ के लोग तो कोई लड़की खड़ी होकर माइक पे बोल देगी तो पता नहीं क्या क्या नाम सनाप बकने लगते हैं। कब सुधरेगा हमारा समाज और कब ये बात सिद्ध होगी कि बेटा बेटी बराबर है? बिल्कुल नहीं है। मैं कोचिंग पढ़ा रहा हूं अभी, मैं अभी देख रहा हूं समाज में, लोगों से मिलता हूं, गार्जियन लोगों से, तो कहीं बेटवा का नाम लिख लो, बिटिया का नाम रहा इधर, क्यों भाई? बेटा पढ़ेगा बेटी नहीं पढ़ेगी? बेटे के लिए फीस है, बेटी के लिए नहीं है। और हमको भी इसीलिए ऐसा हुआ, हमने भी कहा कि ठीक है मैं कंप्यूटर का एजुकेशन दूंगा, बेटियों को दूंगा, बेटों को नहीं दूंगा। दो मतलब है, एक तो बेटा साइकिल चलाता है, घूमता है बढ़िया, खर्चा भी बाप देता है, वो चला जा सकता है दूर, मगर लड़की को तो पहला नंबर भेज देंगे नहीं, जाने नहीं देंगे, तो कम से कम वो नजदीक है, यहां तो सीख ही सकती है अगर उसको सीखने का इरादा होगा। तो सबसे पहले मैं आमंत्रित करूंगा हमारे भूतपूर्व प्रधान श्री राम आश्रय यादव जी को यहाँ मंच के माध्यम से, वो आए और जो है अपना विचार व्यक्त करें। स्थिति और समाज के माहौल को देखते हुए यहाँ जो जिस लिए हो रहा है, इसके अलावा भी जो हमारे एरिया की जो शिक्षा स्तर चल रही है उसके विषय पर आप दृष्टिकोण देंगे और लोगों को ये चीज बताएंगे कि शिक्षा कहाँ तक जरूरी है, क्या बेटों को ही पढ़ाना चाहिए, बेटियों को नहीं पढ़ाना चाहिए, तमाम सारे ऐसे मुद्दों पर आप चर्चा करेंगे। समय भरपूर है और बिल्कुल बोलिएगा, दिल खोल के आज बोलिएगा, क्योंकि आज का दिन बेशक बहुत अच्छा है मेरे लिए और मैं समझता हूं अगर मेरे लिए अच्छा है तो आप लोगों में भी अच्छा हो सकता है, आपके बच्चों के लिए भी अच्छा हो सकता है, अब वो आने वाला भविष्य बता सकता है। आइए प्रधान जी, शुक्रिया। ऑडियो वीडियो स्टूडियो जो आज से अपने कार्य रूप में आ रहा है, उसके प्रोप्राइटर भाई राजेश कुमार यादव जी, हमारे सामने हमारे ग्राम सभा के सभी सम्मानित लोग बैठे हैं, सबसे मैं सादर प्रणाम करता हूं, सबसे वाकिफ हूं। आदरणीय बंधुओं, ये समय अब पूरा विश्व डिजिटल हो रहा है, अब साक्षरता के साथ साथ कंप्यूटर का इंटरनेट का संचालन जिसको नहीं आता है उसको भी आप सब निरक्षर ही समझिए। साक्षरता की दर में जो है पढ़ाई लिखाई में पुस्तकीय ज्ञान के साथ साथ अब हमें इंटरनेट का भी ज्ञान होना अति आवश्यक है। जिन बंधुओं को इसकी जानकारी नहीं है
आज के दौर में पिछड़े माने जा रहे हैं। हमारा जिला, हमारा क्षेत्र पिछड़े वर्ग में आता है। इस तरह से छोटे छोटे जो संसाधन उपलब्ध हो रहे हैं, स्टूडियो खुल रहे हैं, इनके माध्यम से हमारे आने वाली पीढ़ी को हर एक प्रकार का ज्ञान प्राप्त होगा। ये जो है स्टूडियो के माध्यम से सभी बच्चे कंप्यूटर पर, मोबाइल पर अपने हुनर को दिखाने में कुशल होंगे, सक्षम होंगे। एक एक माने से कहिए कि बहुआयामी उद्देश्य है, बहुउद्देशीय प्रोग्राम है ये, जिसमें साक्षरता के साथ साथ कंप्यूटरीकृत ज्ञान का भी ज्ञान सभी बच्चों को प्राप्त होगा। जहाँ तक शिक्षा की बात है, कुछ ही क्षेत्रों में अभी ऐसी रूढ़िवादिता है, लगभग पूरे विश्व में साथ साथ भारत में भी बच्चों के साथ बच्चियों का योगदान बहुत बढ़ चढ़ के चल रहा है। चाहे जो भी रिजल्ट आता हो, चाहे जो भी प्रोग्राम आता हो, आप अध्ययन करेंगे तो उसमें हमारी बेटियां ही आगे आ रही हैं, चाहे जो भी रिजल्ट आ रहा है, चाहे परीक्षा का ज्ञान हो, खेलों में भी अभी जापान में ओलंपिक खेल हो रहा है, देख रहे हैं पूरे विश्व के साथ भारत की लड़कियों ने ही सबसे अधिक मेडल, गोल्ड मेडल, ब्रांज मेडल या सिल्वर मेडल जीता है। हॉकी में आज तक विश्व में पहली बार भारत की महिला हॉकी जो है सेमीफाइनल तक पहुंची है। 181 वर्ष हो गए ओलंपिक गेम होते हुए, लेकिन पहली मर्तबा हमारे देश की महिला हॉकी जो है सेमीफाइनल तक पहुंची है। पूरे विश्व में इस समय हमारी रानी रामपाल जो है हरियाणा की रहने वाली है, उसकी तूती बोल रही है। जिस तरह से गरीबी के वजह से उसको भरपेट भोजन नहीं मिलता था, जिसके माँ बाप मजदूरी करते थे, माँ जो है घरों में पोछा काम करती थी, ऐसी बेटी जो है पढ़ लिख करके हॉकी खेल करके हमारे देश को सेमीफाइनल तक ले गई है। रही बात जद्दोजहद के रूढ़िवादिता, तो पुरुष प्रधान समाज इसमें अभी ये बात तो जग जाहिर है कि रहती है, वरीयता तो बच्चों को देते हैं लेकिन काबिल नहीं होते, कामयाब नहीं हो पाते हैं। जहाँ संभव रहता है, अगर बच्चों के बराबर, लड़कों के बराबर बच्चियों को भी अवसर दिया जाता है, तो वे हमेशा बच्चों से अच्छा प्रदर्शन करके दिखा रही हैं। ये जो ऑडियो वीडियो का जो स्टूडियो आज खुल रहा है, इसमें बच्चों को लिखने पढ़ने के साथ साथ आत्मबोधन, अपनी बात को प्रकट करने का भी, संबोधन करने का भी इनको ज्ञान प्राप्त होगा। निडर बनेगी, समाज में बेझिझक अपनी बातों को प्रस्तुत करेंगी। बहुत से ऐसे इसके ऐसे बहुत से परिणाम आगे आएंगे, ये बहुत सराहनीय। इनके माध्यम से राजेश यादव जी ऑनलाइन क्लासेस भी चलाते हैं, यहाँ से बच्चे घर बैठे इनके अच्छा पूजा ज्ञान सहायता इनका ऐप है, पूजा ज्ञान सहायता ऑनलाइन ऐप से बच्चे अपना ऑनलाइन क्लास भी अटेंड कर रहे हैं और पढ़ रहे हैं। संगीत में भी नाना प्रकार के गीत संगीत का कंपोज करके उसको लोड करके भेज रहे हैं। कंप्यूटर में जैसे जनसेवा केंद्र की तरह सारे प्रोग्राम यहाँ पर कुशल अध्यापकों के द्वारा उनको दिखाया जा रहा है, सिखाया जा रहा है। एक प्रकार से बहुआयामी क्लासेस चल रहे हैं। एक प्रकार से इस ग्राम सभा के लिए, क्षेत्रवासियों के लिए मील का पत्थर प्रोग्राम है, कार्यक्रम है। इसके लिए हम लोगों के बीच से निकल करके राजेश यादव जिस तरह से इस दूरदर्शी कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं, वे बहुत ही आदरणीय हैं, प्रशंसा के पात्र हैं। हम सब उनको धन्यवाद देते हैं। चाहेंगे कि समस्त अभिभावकगण अपने बच्चों को पुस्तकीय ज्ञान के साथ साथ अब चाहे जो भी जिस क्षेत्र में भी बच्चा आगे जाना चाहेगा, उसको कंप्यूटर का ज्ञान होना अति आवश्यक है। कंप्यूटर के ज्ञान के बिना
मैं कह रहा हूँ सभी बच्चे चाहे जितनी भी डिग्री हासिल कर लें तो निरक्षर के ही समान है आजकल के जमाने में। यदि कंप्यूटर का ज्ञान नहीं है तो हर एक क्लास आगे चलकर जितनी स्पर्धाएं होगी अब घर बैठे आप अपने घर से ही परीक्षा देंगे ऑनलाइन, वन डे हो चाहे जितनी भी एग्जाम होगी, नौकरियों की भी परीक्षाएं होगी, आप परीक्षा फॉर्म भरेंगे आपको आवेदन प्रवेश पत्र मिलेगा, आपको टाइम मिलेगा, आप अपने घर पर बैठ करके परीक्षा ही देंगे ऑनलाइन घर से ही। इस तरह से सब कुछ कंप्यूटरीकृत हो रहा है, ऑनलाइन हो रहा है। अपने बच्चों को स्कूली शिक्षा के साथ साथ कंप्यूटर की शिक्षा पर ध्यान देना बहुत अधिक आवश्यक है, तभी वे आगे बढ़ेंगे। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि ऐसे छोटे जो छोटे छोटे जो स्टूडियो खुल रहे हैं, जो कंप्यूटर सेंटर खुल रहे हैं, हम सबके लिए भविष्य के लिए बच्चों के केंद्र हैं। ये सब का हम सबके बढ़ चढ़ के सहयोग देना चाहिए, उसको आगे बढ़ाना चाहिए। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।